कि अपने नैया बचाने के लिए हमें किसानों की सूची नहीं दे रहे हैं। लोगों के साथ विश्वासघात करने में, उन्हें धोखा देने में कांग्रेस को दशकों का अनुभव है। पीएचडी कर लिए उन्होंने। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के कोरबा में थे और कोरबा में प्रधानमंत्री अपने स्वभाव के हिसाब से रैली को संबोधित कर रहे थे और जमकर कांग्रेस और गठबंधन को निशाने पर ले रहे थे और जम्मू कश्मीर को लेकर भी जनता से बात की। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिसकी खबर से अपने भाषण की शुरुआत की वो थी कांग्रेस। कांग्रेस पर हमला करते हुए सबसे पहले राज्य कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिल्ली में बैठे नेताओं के कहने पर यहां आयुष्मान योजना को बंद करने का फैसला किया और किसान सम्मान निधि के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, जिससे अनेक किसानों के खातों में ये पैसा नहीं गया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि लोगों के साथ विश्वासघात करने में और उन्हें धोखा देने में कांग्रेस को पुराना अनुभव है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस ने पीएचडी कर ली है और इसमें केवल बड़े ही नहीं, उनके छोटे नेताओं ने भी ये पीएचडी कर ली है। ये अपने नैया बचाने के लिए हमें किसानों की सूची नहीं दे रहे। मुझे बताइए, ये किसानों के साथ विश्वासघात है कि नहीं है? ये छत्तीसगढ़ के साथ विश्वासघात है कि नहीं है? ये आपके साथ विश्वासघात है कि नहीं है? भाइयों और बहनों, लोगों के साथ विश्वासघात करने में, उन्हें धोखा देने में कांग्रेस को दशकों का अनुभव है। पीएचडी कर लिए उन्होंने और एक नहीं, हर छोटे बड़े ने पीएचडी कर लिए। कांग्रेस की न नीयत साफ रही है और न ही नीतियां। न कांग्रेस की नीयत साफ रही है और न ही नीतियां। मोदी ने आगे कहा कि यदि दिल्ली में इनकी सरकार बनी तो याद रखना, तब ये मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि कोयला खदानों का बंदरबांट ये ही करेंगे, क्योंकि साल 2014 से पहले इन्होंने यही किया था। उस समय के घोटाले सबको याद होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने नक्सलियों को क्रांतिकारी कहा था। एक दौर चल पड़ा था कांग्रेस के भीतर नक्सलियों को क्रांतिकारी बताने का। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले बीजेपी विधायक मांडवी जी की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। ये कांग्रेस ऐसे ही लोगों का समर्थन करती है। कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में राष्ट्रद्रोह का कानून खत्म करने का वादा किया है। इससे यहाँ के जंगल में रहने वाले भोले भाले आदिवासियों को जो भड़काते हैं, उन्हें खुली छूट मिल जाएगी। कांग्रेस का हाथ विकास के साथ है या विनाश के साथ है, ये बताने की जरूरत नहीं। कांग्रेस यही नहीं करती है, नक्सलियों के साथ ही साथ देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भी है, जो सैनिक देश को शांत रखने के लिए अपनी जान दे रहे हैं। कांग्रेस का पंजा उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस जवानों की सुरक्षा कवच को हटाना चाह रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का पंजा सिर्फ नक्सलियों के साथ ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ भी है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के, भारत के लाखों वीर जवान जम्मू कश्मीर को आतंकी गहरी साजिशों से बचाने में जुटे हैं, वहां के नागरिकों की रक्षा में अपना प्राण दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का पंजा उनको भी कमजोर करना चाहता है। कांग्रेस कहती है कि हमारे जो जवान आतंकियों से लड़ रहे हैं, उनको जो सुरक्षा कवच मिला हुआ है, उस सुरक्षा कवच को भी हटा लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। आपके पास सोचने का वक्त है। अगर अब आप चूके तो पूरे 5 साल तक आप चूक जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सावधान रहें और किसी के बहकावे में ना आए, और अपना वोट देते समय कांग्रेस की करतूतों को याद रखें।
अब देखते हैं कि 23 मई को छत्तीसगढ़ की जनता क्या करती है और बीजेपी को कितनी सीटें जिताकर भेजती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। मन पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यहां आए हमरा दीदी बहिनी दाई दादा भैया और संगवारी मन लो मोर जय जोहार। आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद वीर नारायण सिंह और वीर गुंडाधुर को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं शहीद भीमा मंडावी और हमारे चार जवानों को भी आदरपूर्वक श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो बलिदान आपने दिया है उसको ये देश हमेशा हमेशा याद रखेगा। साथियों, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमला उस क्षेत्र में हुआ जहां नक्सलियों के प्रभाव को बहुत कम किया जा चुका था। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव के दौरान मैं यहां आया था तब मैंने कांग्रेस के नेताओं के बयानों की तरफ छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों का ध्यान दिलाया था। तब नक्सलियों को क्रांतिकारी बताने का एक दौर कांग्रेस के भीतर चल पड़ा था। नक्सलियों को क्रांतिकारी कह रहे थे। आज जो यहां हो रहा है वो कांग्रेस द्वारा नक्सलियों का हौसला बढ़ाए जाने की वजह से ही हो रहा है। भाइयों बहनों, आखिर ये कैसी राजनीति है? एक तरफ हमारे जवान पूरे देश की रक्षा और सुरक्षा में जुटे हैं, आदिवासी इलाकों में, पिछड़े इलाकों में नई सड़कें बने, रेल लाइनें बिछे, गांव गांव बिजली पानी पहुंचे, गांव गांव में मोबाइल का नेटवर्क पहुंचे, उद्योग धंधे लगे, इसके लिए हम सभी दिन रात लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर से प्रदेश को हिंसा के भयानक दौर में धकेलने की साजिश चल रही है। नक्सलियों माओवादियों के इन समर्थकों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, नक्सलियों का यह मनोबल कांग्रेस के ढकोसला पत्र से भी बढ़ रहा है। कांग्रेस जिसे मैनिफेस्टो कहती है वो उनका ढकोसला पत्र है
और उस ढकोसला पत्र में इसकी बू आ रही है। इस चुनाव में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर दिल्ली में